प्रभारी मंत्री सतीश महाना दो दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने आज कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि आज मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अब मैं विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहा हूं। उसके लिए आज मैंने यहाँ बैठक में वो विषय आया था, उसके लिए मैंने उसको बोला कि जांच करवाएंगे, उसको पहले तो ठीक करवाएं। ठीक करवाने कभी कभी इस प्रकार का एक सिस्टम हो गया कि वो आपकी बात सही है, वो इसे आया भी था, उसको बड़े सीरियसली लिया गया है कि सिर्फ जांच करवाने के कारण वो ऐसा नहीं पड़ा रहे, उसको ठीक भी करवाएं और साइमल्टेनियसली उसकी जांच करें, दोनों बातें साथ साथ चलें। मंत्री जी, बस बजट के बारे में थोड़ा सा और रिपीट कर दें कि जिला योजना के लिए आपने कितना बजट किया है। मैंने बोला किसी से ले लीजिए, आप ले लेना, आप पूछो। सर मैं ये कह रहा था करंट सिनेरियो और उनको मिलाकर मथुरा वृंदावन नगर निगम बना, और आपका ये कहना सही है कि विकास कार्य हो रहे हैं, सीमेंटेड टाइल्स लग रही हैं, सड़कों पर सड़कें बिछाई जा रही हैं और इतना विकास कार्य हो रहा है कि एक बार एक सड़क बन जाती है, फिर थोड़े दिन बाद एक नई टीम आती है, वो कहती है कि हम जल निगम से हैं, हमको पाइपलाइन डालनी है, वो पाइपलाइन के लिए उसको खोद देती है बनी बनाई सड़क को, और वो सड़क भी जो पहले की बनी हुई सड़क होती है उसके ऊपर ही बिछा दी जाती है। एक सड़क कुछ लाख रुपए की बनती है, उस सड़क के कारण उस सड़क पर आने वाले जो करोड़ों रुपए के मकान हैं वो नीचे हो जाते हैं, और आपके जो मेयर हैं ये गंभीर हैं, ये समस्या को सुनते हैं, शिकायत आती है तो तुरंत पहुँचते हैं, लेकिन जैसा कि डीएम साहब ने अभी आपसे मीटिंग में कहा कि उनके पास जाँच के लिए वही PWD है, इसी तरीके से इनके पास भी वही XCN आदि है, उनको अपना परसेंटेज चाहिए और वो शिकायत भी होती है तो उस पर रिपोर्ट अपनी लगा देते हैं। आपका सुझाव है कि आप प्रश्न करें, प्रश्न क्या आपका? जी मेरा प्रश्न के साथ ये भी कहना है कि किस तरह से सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। आपने जो संज्ञान में लाया उसको दिखाएं। कौन से वाले रेल पथ का जो पर काम चल रहा है प्रस्ताव है वो है, वो आपका जो है मथुरा से वृंदावन में आपकी जो ने 100 करोड़ रुपया पिछले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दिया, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो बरसों के अंतर्गत नहीं हुआ वो हो रहा है, मैं इस बात को कहता हूँ वो हो रहा है। जो मथुरा के अंतर्गत जैसे आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा, मैं स्वयं मथुरा में आज तो मंत्री होने के नाते से हो सकता आया हूँ, पहले से हम आते रहे हैं, पहले से इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें जो डिबेट नहीं, मैं अपनी बात कह लूँ, आपको अपनी बात पूछने का पूरा अधिकार है, आप पूछोगे मैं सम्मान उसका जवाब दूंगा। मैं यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें जहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हैं शायद पहले हमने कभी मथुरा के अंतर्गत नहीं देखी थी, जो मैं जो सड़क के ऊपर देख रहा हूँ मैं उन उस बातों के ऊपर। हाँ स्वाभाविक रूप से जो काम करता है उससे अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, तो अगर कुछ अपेक्षाएं तो उनको भी पूरा करेंगे, हम उस बात से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन जैसे आज यहाँ मथुरा की बात हो रही है, आप बाबा भोलेनाथ की विश्वनाथ की नगरी में जाकर देखिए, वो गलियों से परिवर्तित होकर सड़कों का शहर हो गया। आप वहाँ पर जो बाबा विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर बन रहा है कल्पना के बाहर है, कल्पना बियॉन्ड इमेजिनेशंस में कह सकता हूँ। जो पहले गए होंगे और जो आप गए होंगे, अगर आप में भी से कोई हमारे मित्र गए होंगे तो आप उसको स्वयं अनुभव कर सकते हैं। वो कहते हैं जिसने देखा नहीं उसने समझा नहीं, काफ़ी नहीं ज़मीन आसमान का, मैं कहा बियॉन्ड इमेजिनेशंस चेंज आया। अब वही हाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अयोध्या के लिए जो निर्णय आया वो इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति ने, हर समाज ने, हर वर्ग ने उसको स्वीकार किया है। अयोध्या में भव्य और दिव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनने वाला है। जिस प्रकार से किसी भी धर्म को मानने वाले लोग अपने उस धर्म के तीर्थ को अपना महत्व देते हैं, अब वो महत्व उत्तर प्रदेश में भी राम कृष्ण और शिव के उसमें दिया जा रहा है। तो मैं मतलब हर 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 स्थिति में उत्तर प्रदेश एक प्रगति के पथ के ऊपर बढ़ रहा है और आम जनमानस का विश्वास सरकार में बढ़ा है, ये बहुत बहुत।